मुख्तार अंसारी गैंग के दो शूटर को प्रयागराज में ढेर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में दोनों अपराधियों को मार गिराया। अरेली इलाके के कछार में हुई मुठभेड़ में दो अपराधियों को ढेर कर दिया गया। मौत के घाट उतारे गए अपराधियों के नाम वकील पांडे उर्फ राजू पांडे और अमजद उर्फ पिंटू है। दोनों उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर्स थे। वकील पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। कहा जा रहा है कि वकील पांडे और अमजद ने रांची के होटवार जेल के अधिकारियों की हत्या की सुपारी ली थी। साथ ही इन दोनों के इलाहाबाद में भी किसी बड़े आदमी का मर्डर करने का प्लान था। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये। लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम कर। एसटीएफ का कहना है कि वकील पांडे और उसका साथी अमजद दोनों भदोही के रहने वाले हैं। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे पुलिस को एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर बम रखे होने की सूचना दी। इसकी जानकारी से हड़कंप मच गया। आज सुबह भी बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन बम की सूचना पर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में ताजमहल को खाली करा दिया गया। पर्यटकों को तुरंत ताजमहल से बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियातन ताजमहल के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस को किसी ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी। बम की सूचना मिलते ही ताजमहल परिसर में सीआईएसएफ की भारी संख्या में तैनाती की गई। पूरे ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है। दरअसल पुलिस को किसी ने बम रखने की गलत खबर दी थी। बम रखने की खबर देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में किसानों की आज महापंचायत हुई। महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा है। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के बजाय अब अपनी ताकत पश्चिमी यूपी में पंचायत की शक्ल में झोंक दी है। वेस्ट यूपी में किसान संगठन लगातार महापंचायत कर रहे हैं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत हुई। काफी संख्या में किसानों की भीड़ भी महापंचायत में जुटी। किसान ट्रैक्टर के साथ महापंचायत में पहुंचे। किसान महापंचायत को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और सीएम योगी ने करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनाए गए रबर डैम का भी जायजा लिया। देश के किसानों को समय से उर्वरक और रसायन की आपूर्ति की जा सके, इसके लिए हमें कहीं और किसी अन्य देश पे निर्भर न रहना पड़े, बल्कि भारत के अंदर ही ये क्षमता विकसित हो। बरेली के इज्जतनगर रेल मंडल के लोको शेड में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक इसकी लपटें देखी जा सकती थी। रात करीब 8 बजे रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारियों ने लोको शेड से आग की लपटें उठती हुई देखी। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लोको शेड के स्क्रैप और सूखी पत्तियों में लगी आग ने कुछ देर में भीषण रूप धारण कर लिया। दमकल की 6 गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहले कहा जा रहा था कि लोको शेड में इंजनों में भड़की आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन डीआरएम समेत रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बताया कि सिर्फ कबाड़ में आग लगी थी। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।